हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे। पर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप स्किन केयर फैशन के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिपस्टिक के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होता है कि लाइट स्किन टोन पे कौन सा लिपस्टिक लगाना है, मीडियम पे कौन सा लिपस्टिक लगाना है और डार्क स्किन टोन पे कौन सा लिपस्टिक लगाना है। तो आज सब कुछ डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगी गाइज, और कैसे आप लोगों को लिपस्टिक को मिक्स करना है ये भी बताऊंगी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, सो एंड तक जरूर देखना। बुलेट लिपस्टिक से आपके पास मतलब जो बुलेट में आते राइट, उसको भी कैसे मिक्स करना है ये भी बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप में से कोई भी मेरे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है जो अप्रैल 16 से स्टार्ट हो रहे गाइस, तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करो इस नंबर पे, आप लोगों को सारे डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग सिर्फ मेकअप नहीं सीखते हो गाइस, वहां पे आप लोग पूरा का पूरा बिजनेस कैसे हैंडल करना है ये सब कुछ सीखते हो, और मेकअप टीचर अगर आपको बनना है तो कैसे आपको बनना है ये भी मैं आप लोगों को वहां पे सिखाती हूँ। पूरा आप लोगों को उसका भी नॉलेज मिलता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक, न्यूड मेकअप से लेकर एडवांस अरेबिक आई मेकअप तक सब कुछ वहां पे कवर होता है। तो अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करो इस नंबर पर, वहां पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडेज वीडियो गाइस। तो आज का जो वीडियो, उसके लिए मैंने ये पैलेट लिया है, लिप पैलेट। तो पहले मैं आप लोगों को लिप पैलेट में कैसे मिक्सिंग करना है ये बताऊंगी, और फिर बुलेट लिपस्टिक्स का भी बता दूंगी, सो डोंट वरी। तो सबसे पहले देखो, अभी ये पूरा लिपस्टिक का पैलेट, अगर आप लोग ये पैलेट खरीदना चाहते हो तो ये मेरा जो है वो एनेस्थेशिया का लिप पैलेट है, बट ये अभी बंद हो गया है। बट इंडिया में आप लोगों को शोपारेल में सेम ऐसा पैलेट मिलेगा, जस्ट गोल्ड में सेम टू सेम ऐसा पैलेट मिलेगा, कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स में आप लोगों को ऐसा पैलेट मिलेगा, पीएससी में मिलेगा, बहुत सारे ब्रांड्स में आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी, आप लोग खरीद सकते हो। बट और अगर आप लोग ये ऐसा एक पैलेट खरीदते तो बहुत ज्यादा आपके पैसे बचेंगे, क्यों ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने जो लिपस्टिक लगाया है उसको मैं रब कर देती हूँ, ताकि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अभी करके देखेंगे एग्जैक्टली आपको कैसे मिक्सिंग करना आता है और कैसे आपको समझना है कि कौन सा लिपस्टिक आपके सूट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। ये मेरे बेयर लिप्स है, कुछ नहीं है इस पे भी। तो सबसे पहले अब मैं ये पैलेट देखूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि वाह यार, पिंक बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं पिंक लिपस्टिक लगा दी, और ये यहां पे लगा रही हूं। ऐसे लिपस्टिक जो होते हैं वो फेयर स्किन टोन के लिए होते हैं, ठीक है। तो मीडियम स्किन टोन भी बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है, तो इतना सूट नहीं हो रहा है ये। अगर आपको इसको मीडियम स्किन टोन पे अभी चलाना है तो आप लोग क्या करोगे इसमें, अभी मैं क्या करूंगी देखो, ये इसमें येलो भी है, आप लोग येलो भी मिक्स कर सकते हो, क्योंकि मेरा वार्म टोन है और ये थोड़ा सा कूल की तरफ जा रहा है, कूल पिंक, तो आपको इसको भी वार्म में लेके आना है। तो मैं क्या करूंगी अभी, आप लोग इसमें से कोई भी ब्राउन कलर मिक्स कर सकते हो, वो भी चलेगा, या तो ये जो कलर है जो सबसे कम यूज होता है गाइज, बट ये इतना प्यारा कलर है, देखो अभी मैं ये वाला कलर ले रही हूं और इस पर थोड़ा सा मिक्स कर रही हूं। ये थोड़ा सा मैंने वॉयलेट इसमें मिक्स किया, बहुत ही थोड़ा सा डार्क टोन इसमें आ गया है, तो अभी ये बहुत अच्छा दिख रहा है मीडियम स्किन टोन पे, ठीक है। तो ऐसे मैं आप लोगों को बहुत सारे अभी कलर्स करके दिखाऊंगी। पिंक है और इसमें मैं थोड़ा सा ये वॉयलेट मिक्स कर रही हूँ, तो पिंक और वॉयलेट दोनों मिक्स करके बहुत ही प्यारा सा एक, तो इसमें आप लोग चाहिए तो और पिंक ऐड कर सकते हो, ये वाला पिंक भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हो। तो पिंक और वॉयलेट कलर जो है ना वो मिक्स होकर बहुत ही प्यारा सा कलर बन जाता है गाइज, पर्पल पिंक कलर में, और ये बहुत ही अच्छा दिखता है मीडियम स्किन टोन पे। देखो कितना प्यारा कलर बन गया है राइट। मैं क्या कर रही हूँ, ये थर्ड ब्राउन कलर ले रही हूँ, तो अगर आप ये देखोगे कलर तो बहुत ही ऐसे ऑरेंजिश ब्राउन कलर है राइट, बट मुझे इतना अभी ऑरेंज ब्राउन नहीं लगाना है इनकेस, तो मैं क्या करूंगी थोड़ा सा भी येल्लो ले लूंगी, तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है अगेन फेयर स्किन। नेक्स्ट क्या लेंगे, ये ऑरेंज कलर ले रही हूं मैं, ये ऑरेंज देखो कितना ब्राइट कलर है राइट, ये मीडियम स्किन टोन पे नहीं जाएगा। तो अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा पिंक मिक्स करेंगे, ओके। तो जैसे ही आप लोग अभी ये ऑरेंज और पिंक को मिक्स करोगे, बहुत ही अच्छा अभी एक पिंक बना है फेयर स्किन टोन के लिए, बहुत अमेजिंग। फिर आप लोग अगर रेड कलर लोगे, अभी यहाँ पर रेड ले रही हूँ मैं और उसके बाजू में येलो है, एकदम लाइट पिंक कलर बनता है जो बहुत ही अच्छा दिखता है फेयर स्किन टोन पे। देखो ऐसा कलर बनता है जो बहुत प्यारा दिखता है फेयर स्किन टोन पे। अगर आप लोगों को बहुत ही लाइट ब्राउन बनाना है तो आप लोग इसमें से ये 8 नंबर का कलर ले सकते हो, 8 लिया है मैंने ब्राउन सा, मैं इसमें अभी येल्लो कलर ले रही हूँ और इधर मिक्स कर रही हूँ। तो आप ब्राउन को कितना भी लाइट टोन में लेके जा सकते हो, जो बहुत ही अच्छा एक न्यूड ब्राउन देगा आपको, देखो ओके।
और ये वार्म स्किन टोन पे बहुत अच्छा दिखता है, फेयर स्किन टोन पे, मीडियम स्किन टोन पे भी ये बहुत अच्छा दिखता है। फिर अगर आपको ब्राउन चाहिए तो आप लोग तीनों प्राइमरी कलर्स को मिक्स कर सकते हो, जैसे येलो, अब येलो में रेड मिक्स हो गया है, बट एनीवेज देखो येलो लिया मैंने, ओह ठीक है हमको वैसे भी मिक्सिंग ही चाहिए ना, येलो लिया यहाँ पे, उसमें रेड ऑलरेडी है थोड़ा सा मिक्स्ड, और मैं थोड़ा सा ये ब्लू ले रही हूँ। जब ही रेड ब्लू थोड़ा ज़्यादा मिक्स हो गया गाइस, देखो रेड और येलो, इसमें जैसे आप लोग मिक्स करते जाओगे ना तो ये ब्राउन बनेगा डार्क, ये डीप स्किन टोन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने आप लोग दिखाया, देखो ये फेयर के लिए है, ये मीडियम के लिए, ये डार्क, तो ऐसे आप लोग इस पे से कलर्स बना सकते हो। अगर ये ब्राउन मैंने लिया, फॉर एग्जांपल ये ब्राउन ले रही हूँ मैं, यहाँ पे स्वॉच कर रही हूँ, तो बहुत लाइट है तो ये डार्क स्किन टोन पे नहीं दिखेगा। तो आप लोगों को क्या करना होगा डार्क स्किन टोन के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा इसमें से ब्लू लेना होगा और इसमें थोड़ा सा मिक्स करना होगा। तो जैसे ही आप लोग, और ये ब्राउन अभी थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, तो आप लोग थोड़ा सा ये वाला ब्राउन भी मिक्स कर सकते हो चाहिए तो। देखो तो ऐसे डार्क ब्राउन बनेगा जो डार्क स्किन टोन पे बहुत ही अमेजिंग दिखेगा। ओके तो ऐसे आपको देखना है कि डार्क स्किन टोन अगर आई है, आपके पास बहुत लाइट है लिपस्टिक, तो आप लोग ये वाला लिपस्टिक भी उसमें मिक्स कर सकते हो, या तो थोड़ा सा ब्लू मिक्स करो और फिर डार्क स्किन टोन का आपका लिपस्टिक बन जाएगा प्रॉपर, ये वाला लिपस्टिक अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग को हमेशा न्यूड लिपस्टिक्स चाहिए होते हैं ज़्यादा, राइट। बहुत ही लाइट ब्राउन है यहाँ पे, बहुत लाइट ब्राउन है, डार्क स्किन टोन पे नहीं दिखेगा। तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा इसमें ये डार्क पिंक आप लोग ऐड कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। अगर आपको पिंक टोन में नहीं जाना है तो थोड़ा सा इसको अभी पर्पल लुक दे दो, थोड़ा सा इसमें पर्पल मिक्स कर दो, तो ये बहुत डीप टोन ऐसे कलर बनेगा जो बहुत ही अच्छा दिखता है। और अगर इसको और लाइट करना है, देखो एकदम डार्क पिंक कलर दिख रहा है गाइस, और ये बहुत ही अच्छा दिखता है डार्क स्किन टोन पे। फॉर एग्जांपल अभी ये वाला कलर लिया मैंने डार्क स्किन टोन पे, ठीक है यहाँ पे लगाते हैं, देखो। तो ये अगर आपको लगा कि अरे ये इतना सूट नहीं हो रहा है उन पे, तो आप लोग क्या कर लो, क्या करोगे, आपको इसको डार्क करना है, तो आप लोग लोगे ये वाला कलर, थोड़ा सा डार्क कलर लोगे और इसमें थोड़ा सा मिक्स करोगे, एकदम मरून कलर में जाएगा। जब भी फेयर स्किन टोन आती है गाइस, आप लोग बहुत ही लाइट ऐसे देखो, ऐसे लाइट पिंक आप लोग लगा सकते हो, तो ये उन पे चला जाएगा। बट जैसे ही डार्क स्किन आती है, आप लोगों को उसमें थोड़ा सा पिंक मिक्स करके ऐसे बनाना होगा। मीडियम स्किन टोन आती है तो भी आप लोग ये वाला लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डार्क और मीडियम पे दोनों पे अच्छा पैलेट है गाइस। ये कलर आप लोग ले रहे हो, अगर ये डार्क है बहुत ज्यादा, ये बर्गंडी कलर है, ओके देखो एकदम वाइन बर्गंडी कलर है, तो आपको लग रहा है कि यार ये बहुत डार्क है, इतना डार्क नहीं चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा ये वाइट ले लोगे और वाइट इसमें मिक्स करोगे। तो जैसे आप लोग वाइट मिक्स कर रहे हो, ये अभी थोड़ा सा लाइट होने लगा, देखो पर्पल में जाने लगा। अभी इसको आपको जिस भी कलर में लेके जाना है, पिंक में लेके जाना है तो पिंक ऐड कर दो इसमें थोड़ा सा। अगर आप लोगों को इसको ब्राउन फैमिली में लेके जाना है, तो आप लोग कोई भी इसमें से ब्राउन कलर ले सकते हो, ये वाला ब्राउन कलर ले सकते हो और इसमें मिक्स कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छे से भी ब्राउन कलर में चला जाएगा। तो जो कलर आपको लेके जाना है वो थोड़ा ज़्यादा मिक्स करना होगा आपको, देखो ऐसे ये ब्राउन में जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को कलर्स को बना, फेयर स्किन टोन की आती है, यहाँ पे मैंने ये लिपस्टिक लगाया है, लग रहा है और लाइट चाहिए मुझे, ओम्ब्रे इफेक्ट देना है, तो इसमें थोड़ा सा मिक्स कर दो वाइट और फिर एकदम लाइट हो जाएगा। और ये जो कलर है अभी, इसको आप लोग ओम्ब्रे के जैसे यूज कर सकते हो, मतलब साइड में पूरा डार्क ब्राउन लगा दो और अंदर आप लोगों को ये वाला ब्राउन मिक्स करना है थोड़ा सा व्हाइट में मिक्स करके, तो ऐसे ओम्ब्रे इफेक्ट आप लोग दे सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी एकदम पेस्टल कलर्स बनाने हैं, बहुत फेयर स्किन टोन पे अगर आपको पेस्टल कलर्स बनाने हैं, तो वो भी आप लोग इसमें से बना सकते हो। व्हाइट कैसे यूज कर सकते हो, ब्लैक भी आप लोगों को डार्क करना है किसी कलर को तो आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं ये पर्पल ले रही हूँ, अभी ये वाला पर्पल ले रही हूँ, यहाँ पे स्वॉच कर रही हूँ, और इसमें अभी थोड़ा सा मैं ये व्हाइट मिक्स कर दूंगी पेस्टल कलर्स के लिए, देखो बहुत ही अमेजिंग, ये एकदम अभी लाइट पर्पल हो गया है फेयर स्किन टोन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखो, ऑरेंज थोड़ा सा ले रही हूँ मैं, पेस्टल कलर लाइट है ये, इसमें थोड़ा सा वार्म स्किन टोन के लिए चाहिए मुझे, थोड़ा सा इसमें क्या कर रही हूँ, येल्लो मिक्स कर रही हूँ, येल्लो ले रही हूँ, थोड़ा सा येल्लो मिक्स कर रही हूँ, येल्लो मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। देखो येल्लो मिक्स किया, हो गया। तो अभी लास्ट में ले रही हूँ व्हाइट, और जितना मुझे लाइट चाहिए उसमें इसको मिक्स करूँगी व्हाइट को,
देखो बहुत ही न्यूड पीछे सा हो गया और ये कलर अमेजिंग दिखता है फेयर स्किन टोन पे, ब्राइड्स पे, सब पे ही। तो आप लोगों क्या क्या लेना है, 7 येलो और व्हाइट, ठीक है, ऑरेंज येलो और व्हाइट, तो ऐसे आपको पेस्टल कलर बनाना है। ऐसे ही आप लोग अभी ये वाला जो ब्राउन है ना, इसमें भी आप लोग सेम कॉम्बिनेशन कर सकते हो। ये ब्राउन है, इसमें थोड़ा सा येलो ले लो, येलो लिया और फिर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा व्हाइट और यहाँ पे वो जो डार्क एकदम ऑरेंज ब्राउन था राइट, उसके हमने एकदम ही अभी ऐसे लाइट टोन में लेके आ गए। तो कोई भी कलर को अगर लाइट वर्जन में आपको लेके जाना है तो ऐसे पेस्टल कलर्स आप लोग बना सकते हैं, येलो और व्हाइट कलर उसमें मिक्स कर सकते हो। वार्म है तो येलो मिक्स करो, व्हाइट अगर सिर्फ आप लोगों को लाइट लेके जाना है तो आप लोगों को ऐसे सिर्फ व्हाइट मिक्स करना होगा, व्हाइट मिक्स करो या इसमें येलो व्हाइट इसमें येलो। तो ब्राउन को देखो येलो और व्हाइट मिक्स करने के बाद ऐसा होगा, ऑरेंज को येलो और व्हाइट मिक्स करने के बाद ऐसे होगा। तो ऐसे लाइट कलर्स भी आप लोग बना सकते हो। ये पर्पल कलर बहुत ही अमेजिंग है, ऐसे हमें लगता है कि ये पर्पल कलर का मैं क्या करूंगी, बट ये मीडियम स्किन टोन पे इतना अमेजिंग दिखता है ना, कोई भी कलर में इसको मिक्स कर दो गाइज आपका मतलब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। अमेजिंग दिखता है मीडियम स्किन टोन पे, फेयर टू मीडियम सब पे, और डार्क स्किन टोन पे भी आप लोग पिंक और वो मिक्स कर सकते हैं। आप लोगों को व्हाइट थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ जो हमने बनाया है ऑलरेडी, और इसमें थोड़ा सा भी येलो भी मिक्स कर रही हूँ। तो कोई भी कलर का लाइट वर्जन निकालना है तो उसमें थोड़ा सा ये बन रहा है पिंक। अभी ये वाले कलर में पर्पल में हमने क्या किया, सिर्फ व्हाइट मिक्स किया तो उसका लाइट वर्जन निकला, इसमें क्या किया थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा व्हाइट मिक्स किया है, तो ये देखो कितना प्यारा सा एक लाइट पिंक कलर बना है जो फेयर स्किन टोन के लिए कितना अमेजिंग है राइट। तो आप लोग ऐसे अनगिनत कलर्स बना सकते हो गाइज। तो आज मैंने आप लोगों को फेयर स्किन टोन के लिए कलर्स बताए हैं, मीडियम स्किन टोन के लिए कलर्स बताए हैं और डार्क स्किन टोन के लिए कलर्स बताए हैं। ऐसे ही अनगिनत कलर आप लोग बना सकते हो, इसी रेफरेंस को यूज करो। अगर आप लोगों को पेस्टल वर्जन निकालना है किसी भी कलर का, कोई भी कलर लो, येलो और व्हाइट उसमें मिक्स करो, येलो नहीं चाहिए तो सिर्फ व्हाइट मिक्स कर सकते हो। अगर आप लोग किसी भी कलर को डार्क बनाना है तो उसमें ये वाला पर्पल कलर मिक्स करो, उसका डार्क वर्जन निकलेगा। ऑरेंज कलर है उसमें आप येलो और व्हाइट मिक्स करोगे तो आप लोगों को लाइट वर्जन निकलेगा उसका। कोई भी कलर, इतना सिर्फ लॉजिक आपको समझना है कि कोई भी कलर का पेस्टल वर्जन लाइट वर्जन मुझे निकालना है तो उस कलर में येलो और व्हाइट में मिक्स करूंगी, ये बेसिक है। कोई भी कलर को अगर मुझे डार्क करना है, डार्क स्किन टोन, जितनी डार्क स्किन टोन होती है उतना डार्क कलर उन पे आपको लगाना है लिपस्टिक। अगर ये ब्राउन आपने लिया आपको लग रहा है कि बहुत लाइट है तो उसमें थोड़ा सा ब्लू आपको मिक्स करना है, डार्क स्किन टोन पे ब्लू मिक्स करो, लाइट वर्जन निकालना है येलो और व्हाइट मिक्स करो। और अगर आप लोगों को मीडियम स्किन टोन के लिए कलर्स बनाने हैं गाइज तो कोई भी कलर ले लो, ये ब्राउन लो, अगर आपको लग रहा है कि अरे ये मजा नहीं आ रहा है तो आप लोगों को इसको डार्क बनाना है, थोड़ा सा आप लोग ये कलर मिक्स कर सकते हो, ये पिंक मिक्स कर सकते हो, या इसमें से कोई भी आप लोग डार्क ब्राउन, जो मेरा फेवरेट कलर है इस पैलेट में, मैं क्या करती हूँ सारे ब्राउन्स को मिक्स करके बनाती हूँ। हमेशा आपने देखा होगा, देखो ये ब्राउन लिया मैंने, उसके बाद मैं लेती हूँ ये वाला डार्क ब्राउन, ओके, और फिर मैं उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए, तो ऐसे तीन ब्राउन्स को लेती हूँ मैं और ऐसे अपना न्यूड कलर, चार ब्राउन कलर जो है ना ये वाले लेती हूँ मैं और इससे मैं अपना परफेक्ट न्यूड कलर बनाती हूँ। तो मैं हमेशा ये और ये तीन ब्राउन, अगर मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए होगा तो ये डार्क ब्राउन, तो ये एक दो तीन चार, ये चार ब्राउन अगर आप लोग मिक्स करोगे तो बहुत ही अमेजिंग ऐसे ब्राउन कलर मिलता है। फिर आप लोग कितना भी लाइट और डार्क बना सकते हो गाइस, लाइट चाहिए तो ये ब्राउन आपको लाइट ब्राउन मिक्स करते जाना है, और फिर कितना डार्क आपको बनाना है, उतना डार्क स्किन टोन है किसी के तो उतना डार्क आपको बनाना होगा, तो उसमें ये डार्क ब्राउन आपको मिक्स करते जाना है। देखो तो ऐसे आप लोगों को कलर्स बनाने हैं। और अगर पेस्टल बनाना है तो अगेन येलो मिक्स करो, उसमें थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करो, और फेयर स्किन टोन के लिए और लाइट मिलेगा। तो गाइस एंड में मैं आप लोगों को सिर्फ बुलेट लिपस्टिक्स, अगर आपके पास ऐसे लिपस्टिक्स है उसको कैसे मिक्स करना है ये आप जानना चाहते हो तो देखो आप लोगों को क्या करना है, ये कलर आपने लगा लिया ऊपर, ये सेम कलर है जो हमने एक्चुअली पैलेट में बनाया, ये मैक का है पी फॉर पोटेंट, देखा सेम कलर है जो हमने एक्चुअली पैलेट में बनाया था, सेम कलर है। तो इसके ऊपर जो भी कलर चाहिए वो लगाना है, जैसे मेरे पास अभी ये शार्लेट टिल्बरी का पिलो टॉक है तो मैं क्या करूंगी इसके ऊपर लगा दूंगी अब इसको, तो ऐसे आप लोग मिक्सिंग कर सकते हो।
अगर आप चाहते हो तो आप लोग पैलेट में भी थोड़ा स्क्रैप करके निकाल के भी कर सकते हो, बट वो खाली बहुत खराब हो जाता है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। और फिर अगर मुझे लगा कि ठीक है और डार्क चाहिए तो और डार्क लगा दो, और लाइट चाहिए आप लोगों को थोड़ा सा व्हाइट इस पर लगा दो, और फिर ग्लॉस चाहिए तो अभी ये देखो ये मेरे पास एक ग्लॉस लिपस्टिक है। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है गाइज। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइज, जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि ये पैलेट को कैसे यूज करना है और ये पैलेट कहाँ से खरीद सकते हो आप लोग। ये पैलेट आप लोग खरीद सकते हो मुंबई के मेकअप मिस्ट्री से, आप लोगों को वहां पे शोपारेल का पैलेट मिल जाएगा, या शोपारेल के साइड से भी आप लोग खरीद सकते हो। शोपारेल, पीएसी, जस्ट गोल्ड तीनों ब्रांड्स में आप लोगों को, या कैरेटी कॉस्मेटिक्स, आप लोगों को कहीं पे भी ये वाला पैलेट मिल जाएगा इंडिया। उनके स्पेसिफिक साइट से खरीद सकते हो, अगर नहीं तो फिर आप लोग मुंबई में जो मेकअप मिस्ट्री है वहां से भी खरीद सकते हो, वो लोग कुरियर कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, लव यू ऑल, बाय।